गाइस आप लोगों को बताएं, आप जो मोबाइल फ़ोन चलाते हो वो एक तरह का कंप्यूटर है। अरे भैया, अगर आप एक स्मार्टफोन चलाते हो तो वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। माइक्रोवेव अवन के अंदर भी एक कंप्यूटर फिट है। अगर भाई आपके वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है तो वो भी एक तरह की कंप्यूटर है। ये जो कंप्यूटर है ये काम कैसे करते हैं, कभी आपने ये सोचा? और कभी आपने ये तो नहीं सोचा होगा कि ये जो कंप्यूटर है ना ही इसे इंग्लिश आती है ना ही इसे हिंदी आता है, तो इसको आता क्या है? इसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आता है जो कि है इसके मदर लैंग्वेज जी, और जो है 0 और 1। आप जो वीडियो देख रहे हो, आप जो ऑडियो सुन रहे हो इस वीडियो पे, वो 0 एंड 1 के फॉर्म में ही आते हैं। आप कीबोर्ड पे कुछ भी सर्च करते हो तो उसके जो फॉर्म है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में ही आते हैं, और कंप्यूटर इसे 0 एंड 1 ही समझते हैं, किसी दूसरे और लैंग्वेज समझ में नहीं आते। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि ये जो कंप्यूटर है ये काम कैसे करता है, इसका जो प्रोसेसर है उसमें क्या काम होता है, तो ये सारे जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो दोस्तों, आपके लाइफ के 2 मिनट इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो गाइस, दुनिया में किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस उठा लीजिए, उसके बाद 4 ही बेसिक काम होता है, जो कि है इनपुट लेना, दूसरा है मेमोरी में स्टोर करना, और तीसरा जो है वो है प्रोसेसिंग करना, और चौथी है आउटपुट देना। तो बस ये 4 काम ही कर पाते हैं कि कोई भी कंप्यूटर या फिर डिवाइस कह लो आप। इसको एक इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मतलब आप इसे पावर ऑन कर दोगे तो ये चलेगा, अगर इसे पावर ऑफ कर दोगे तो ये मर जाएगा, और फिर अगर आप इसे पावर दोगे तो ये फिर ऑन होके आपके लिए काम करेगा। तो गाइस, इसके अंदर है क्या, कैसे ये काम कर पाता? गाइस बहुत ही सिंपल सा बन रहा है। आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी 0-1 के फॉर्म में ही देखने को मिला, और अगर आप कोई भी ऑडियो सुनते हो या फिर कोई भी कीबोर्ड पर टाइप करते हो तो वो भी 0-1 के फॉर्म में ही आते हैं। गाइस कोई भी डाटा जो ट्रेवल करते हैं वायर के थ्रू सर्किट के अंदर, तो उसका जो फॉर्म है वो भी 0 और 1 के ही होते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर है तो उसका मतलब है 1, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली 0। और गाइस इसे ही कहते हैं कंप्यूटर के बाइनरी नंबर, जो कि कंप्यूटर की मातृभाषा है। अगर आप किसी भी डिवाइस कह लो या फिर किसी भी कंप्यूटर कह लो, उसमें 0 और 1 के फॉर्म में ही कोई भी डाटा ट्रेवल करता है। गाइस आप एक क्लिक करते हो जब अपने माउस पे, या फिर आपके फ़ोन में जब भी आप टच करते हो, तो इसके पीछे आपको क्या देखने को मिला, कोई भी फोल्डर हो या फिर कोई भी मूवी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब आप जब भी किसी स्क्रीन पे या फिर माउस पे टच करते हो तो वो जो बाइनरी नंबर है उसको एक सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल जाता है मदरबोर्ड के अंदर, और मदरबोर्ड इसको वेरीफाई करके भेज देते हैं स्टोर के अंदर, मेमोरी के अंदर जो जहाँ पे स्टोर होता है, और मेमोरी इसे प्रोसेसर के पास चले जाता है, और प्रोसेसर उसे प्रोसेसिंग करके पता लगाता है कि आप जहाँ पे क्लिक किया वहाँ पे कोई भी फोल्डर शो हुआ या फिर कोई भी मूवी है। अगर मूवी है तो वो फॉर्म हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता है, जहाँ पर आपके बहुत सारे मेमोरी स्टोर है, और हार्ड डिस्क वापस अगर वहाँ पे कोई भी है तो वो वापस प्रोसेसर को फॉरवर्ड करते हैं, और प्रोसेसर वो उसको प्रोसेस करके आपके डेस्कटॉप कह लो या फिर मोबाइल के स्क्रीन कह लो, वहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो ये ऐसे चलता है। अगर आप यहाँ पर साउंड की बात करो तो यहाँ पे साउंड भी 0 और 1 के फॉर्म में ही आते हैं, फिर इसे वेब साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमन या फिर जो आदमी समझने वाले जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करते थे। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में ही आता है, और इसे वेब साउंड में आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस आपके एक क्लिक स्क्रीन पे, माउस पे या फिर कीबोर्ड पे, तो ये सारे प्रोसेस प्रोसेसर ही हैंडल करते हैं, प्रोसेसर ही प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसके पास इंटरक्शन की लाइन लगे होते हैं, तो ये सारे प्रोसेस करके आप तक आउटपुट पहुंचाना, तो ये तो फर जाएगा। तो गाइस इसे ऑपरेट करने के लिए या फिर इसे मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होती है, जो है इसके ऑपरेटेड सिस्टम। तो इसके ऑपरेट सिस्टम इसको मैनेज करते हैं, इसके OS ही है जो इसके जिम्मेदारी बनती है, जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करना, एक कोड के थ्रू इस सारे कोडों को संभालना, जो कि एक सॉफ्टवेयर है और इसे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो OS है या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, ये सबका किंग है या फिर राजा है। गाइस अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है कंप्यूटर या फिर प्रोसेसर को लेके, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियोस के लिए टैग बोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, वीडियो बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय। जय हिंद गाइस।